महासिद्ध अवधूत ने देखा कि अगर मुझे अपने शिष्यों को साधना देनी है तो मैं मंत्र स्वरूप में शिव शक्ति साधना इन्हें प्रदान करूंगा। ललिता रुद्र त्रिशति, ये साधना तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। तुम जाके किसी से रुद्री का पाठ सीख सकते हो, लेकिन बीज मंत्रात्मक साधना जिसमें गुरु की शक्ति शक्तिपात स्वरूप में छिपी है, तुम उसे खोज नहीं पाओगे। तुम फिर कहीं जाके त्रिशति का पाठ कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन श्री विद्या उपासक से श्री विद्या की साधना तुम ललिता रुद्र के स्वरूप में प्राप्त नहीं कर पाओगे। ललिता रुद्र त्रिशति की साधना आज जिसका दिव्य स्वरूप तुम्हारे हाथ में इस किताब के माध्यम से है, ये तुम्हें संसार में कहीं और नहीं मिलेगी। और तुम्हारे भीतर धन्यवाद का, प्रेम का भाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हें चुना। जिस साधना के माध्यम से मार्कंडेय अपने भाग्य को बदल सके, आज उसी साधना का एक स्वरूप तुम्हारे हाथ में है। ये साधना केवल एक भाग्यशाली साधक को ही मिल सकती। अब मुझे नहीं पता कि यह भाग्य तुम्हारा था या तुम्हारी पत्नी का या तुम्हारे पूर्वजों का, लेकिन किसी का तो भाग्य रहा होगा जिसकी वजह से तुम मेरे सामने बैठे हो। किसी का तो भाग्य रहा होगा कि तुम्हें एक दिव्य ताकतवर एवं सरल साधना मिल रही है, एक ऐसी साधना जो एक ग्रस्त कर सकता है, एक ऐसी साधना जो कठिन नहीं। क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे के पास जाऊं, आंखें बंद कराऊं और बोलूं चल मेरे साथ साधना कर, तो 10 में से 5 बच्चे हमेशा कहते हैं भैया हमारा ध्यान नहीं लगता। पर अगर उसी बच्चे के हाथ में मैं ललिता रुद्र त्रिशति दूं और बोलूं आ मेरे साथ पाठ कर, तो 10 में से 10 बच्चे बोलेंगे भैया पाठ हो गया। 10 बच्चे बोलेंगे इस पाठ में हमने बहुत ऊर्जा को महसूस किया। 10 के 10 बोलेंगे कि इस पाठ के बाद मन में एक शांति अनुभव हुई। और उस 10 में से न जाने कितने बच्चे फिर मेरे को लिखते भी हैं कि भैया मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा मिरेकल हो गया। और इस बात को समझो, ये जो मिरेकल्स तुम्हारी लाइफ में होंगे ना, ये इसलिए नहीं क्योंकि कुछ मैंने छूमंतर कर दिया और तुम्हारे जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं। तुम्हें इस बात को समझना होगा, यहां पे मेरी ताकत नहीं, ताकत तो महादेव की है।